अस्सलाम वालेकुम गाइस, कुछ वक्त पहले हम लोगों ने मेरी लाइफ स्टोरी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो हम कुछ रीजंस की वजह से आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए। मुझे लगता है अब सही टाइम आ चुका है आप लोगों से मेरी लाइफ स्टोरी शेयर करने का। चलें गाइस, वीडियो एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाइयों, क्या हाल है? आज हम बात करेंगे साजिद रहमान AKA जमीन गेमिंग से और जानेंगे कि अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करें। साउंड सही आ रहा है मेरा? चलें अब शुरू करते हैं। अरे लिटिल जलमी, बड़े जलमी कहाँ है? वो तो साइड हीरो है, मेन लीड तो मैं हूँ। आ गए मेरे फुकेज खाने। सो साजिद, इतना सक्सेसफुल गेमिंग करियर, वो भी पाकिस्तान में, आप हमें बताएंगे इस ख्वाब की शुरुआत कैसे हुई? ढाबे से। ढाबे से मतलब? हर कराची के एवरेज लड़के की तरह मेरी जिंदगी में भी तीन ही चीजें कांस्टेंट थी, फैमिली, दोस्तों की बैठक और चाय का ढाबा। मैं और मेरे दोस्त सालों से यहाँ बैठ रहे हैं और वही शुगल मस्ती करते हैं जो शायद कराची का हर लड़का करता है, मजाक मस्ती और ऑनलाइन गेमिंग। I remember, इसकी पबजी मोबाइल की बातों से तंग आकर एक दफा हमारी लड़ाई भी हो गई थी। तो आपको कब और कैसे लगा कि आपको प्रोफेशनल गेमर बनना चाहिए? मुझसे इंस्पायर हो गए, और क्या? उसी ढाबे पर। फिर से ढाबा? शायद यही वो लम्हा था जहाँ कुछ लोग मुझे पागल कह रहे थे, वही एक मजमा मुझे खेलते देखता था घंटों तक। आपको लग रहा होगा कि अब सब सीन ऑन है ना? नहीं, उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं प्रोफेशनल गेमर बनूंगा। अच्छा, हम जैसे लोग इतने अलग करियर्स कभी प्लान नहीं करते, हमारे वही टिपिकल प्लान्स होते हैं। इंजीनियर बन जाओ तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, MBA कर लो तो तरक्की हो जाएगी। हम जैसे लोगों के ड्रीम्स बेसिकली नहीं होते, और शायद यही वजह है कि हम सारी जिंदगी एक कैद में गुजार देते। मैंने इसको इंजीनियरिंग करवाई थी ताकि ये इंजीनियर बने, और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, मेरी भी ये ख्वाहिश थी। तो ये वो पॉइंट था जब आपको लगा कि आपकी गेमिंग छूट गई है? कह सकते हैं, एग्जाम सर पे थे, लग गए पढ़ाई में और बन गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और फिर शुरू हो गई वही जिंदगी 9 to 5। फिर क्या हुआ? कराची में कोरोना वायरस। I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency. 2 महीने चली वो नौकरी, पर सही बताऊं तो मुझे उस नौकरी के जाने का कोई अफसोस भी नहीं हुआ। समझ ही नहीं आ रही थी आखिर चक्कर क्या है, जिस जॉब के लिए इतनी पढ़ाई की, इतने इंटरव्यूज दिए, उसके जाने का अफसोस क्यों नहीं हो रहा था मुझे। तो नौकरी भी चली गई, गेम भी छूट चुकी थी, तो आखिर फिर गेमर बने कैसे आप? किस्मत। कभी कभी आप अपने लिए कुछ छोटा सोचते हो पर किस्मत में कुछ बड़ा लिखा होता है आपके लिए। जवानी के दिन थे, कुछ करने का जुनून था, खुद को प्रूव करना था, सक्सेसफुल बनना था, पर कोविड के उन दिनों में मैं कर भी क्या सकता था। उन फरागत के दिनों में मुझे यह एहसास हुआ कि शायद ढाबे का यह फेम शुगल से कुछ ज्यादा भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाइयों, क्या हाल है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यू चीज के बारे में।
इट वॉज अ लॉन्ग शॉट बट मैंने लिया। फिर से 17-18 घंटे गेम खेलना, कंटेंट बनाना, सब कुछ उस एक फोन में। मेहनत तो पूरी थी पर कुछ हो नहीं रहा था। 127 वीडियोस मतलब 1000 घंटों से ज्यादा का कंटेंट अपलोड करने के बाद मुश्किल से मैं 300 सब्सक्राइबर तक ही पहुंच सका था। यहां दुनिया थोड़ा बहुत खुलना शुरू हुई और वहां जॉब हंट एक बार फिर से स्टार्ट हो गया, पर इस बार दिल नहीं मान रहा था। जो कोविड में टाइम पास करने के लिए एक शौक के तौर पर शुरू किया था उसमें दिल लग गया था, लेकिन शौक के सहारे जिंदगियां नहीं बनती। मुझे उस जिंदगी में वापस नहीं जाना था और यही बात की सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी मुझे, लेकिन मेरा वो डर सच होता दिख रहा था मुझे। ये छोटू भी हंस रहा था, लेकिन फिर मुझे एक आइडिया आया। कैसा आइडिया? अरे मैं अब लीग हीरो की एंट्री होगी ना। हाँ तुम्हारी हो, क्या हाल है? ये वो पॉइंट था जहां मैंने कोड क्रैक कर लिया। कैसा कोड? मेरी जिंदगी की 3 कांस्टेंट चीजों को मिला देना। दोस्तों के साथ खेल के इस बात का एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूं, और फिर अपने भाई को इस ड्रीम का पार्ट बना लेने से मैंने अपनी फैमिली को इस ड्रीम का पार्ट बना लिया। और जब आपके अपने आपके साथ हो तो ख्वाब देखने की हिम्मत आ ही जाती। मुझ में और छोटे भाई में 16 साल का डिफरेंस है, पर कंपैटिबिलिटी ये चीजें नहीं देखती। हम साथ काम करते हैं, साथ खेलते कूदते हैं और साथ एंजॉय करते हैं, और लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं कुछ नया करने के लिए, ख्वाब देखने के लिए। एक बाप का सीना फखर से फूल जाता है जब उसके बच्चे उसके सोच से भी ज्यादा तरक्की कर ले, अपने ख्वाबों को पूरा कर ले। आज मेरे दोनों बेटों ने भी वही मुकाम हासिल कर लिया है जो शायद एक ख्वाब था। तो ये थी हमारी कहानी। मेरी ये तो साइड हीरो है।